Hello students, let's see this question. Here we have in the given figure, DE is parallel to AC. DE हमें given है parallel है AC के और DF बेटा parallel हमें given है किसके AC. आपको F हमारा parallel है AC. हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है बेटा DF by FE is equals to BE by EC. बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जहाँ पे भी हमें पैरेलल गिवन है ना, साइड्स को यूज करके हम बीपीटी देख लेंगे, वहाँ पे देखेंगे हमें कौन सी साइड्स का रेशियो मिल, ठीक है. सबसे पहले हमें गिवन है बेटा सी डी ई इज पैरेलल टू ए सी, तो अगर हम यहाँ पर बीपीटी यूज कर करते हैं बाय यूजिंग, देखते हैं बेटा क्या मिलेगा. यहाँ पर हमारा क्या है, डी पैरेलल है बी एसी के, इस साइड्स का रेशियो डी बाय डी ए इसकी इक्वल हो जाएगा बेटा, कौन सी साइड, बी ई बाय सी ना, लिख देते हैं हम डी बाय डी ए इज इक्वल टू बेटा बी बाय सी, इसको हमने मार्क कर दिया. दूसरी चीज बेटा क्या की बनती है, डी एफ इज पैरेलल टू, डी एफ हमारा पैरेलल है ए, तो अगर हम यहाँ पर बीपीटी यूज करेंगे बाय यूजिंग, देखते हैं यहाँ पे कौन सी दो साइड्स के रेशियो में डिवाइड करेगा, डी एफ बेटा क्या बनेगा, एक तो बी एफ बन जाएगा अपॉन क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डी एफ इज पैरेलल टू ए, क्या मिलेगा बी एफ बाय एफ ई, यहाँ पर बी डी बाय डी ए इज इक्वल टू बेटा F by FE, ठीक है. यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कौन से ट्राइंगल की बात हो रही थी, ABE, ठीक है. यहाँ पर ये मिल गया, इसको मार्क कर दिया टू. अब बेटा अगर आप देखोगे लेफ्ट साइड दोनों की सेम है, E by DA, BD by DA, तो हम बाय यूजिंग इक्वेशन वन एंड टू क्या मिल जाएगा हमें, E by EC equal to F by FE. और अगर हम बेटा देखेंगे हमें यही तो प्रूफ करना था, BF by FE is equal by EC, क्या हमने प्रूफ कर दिया. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. थैंक यू.